Bollywood veteran actor Anupam Kher and his actress wife Kiran Kher have slammed 11 filmmakers who have returned the awards in order to protest against government. The duo said that it is very sad that filmmakers were returning their awards in solidarity with the protesting Film and Television Institute of India students. Speaking on the occasion, Anupam sir said, "Ek bhavya imarat ke samne ek हिंदुस्तान अपना हिंदुस्तान के कमर्शियल कैपिटल के अंदर एक सड़क पर इस तरह का समारोह मनाया जा रहा है तो ये इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। तो जो लोग अवार्ड वापसी में यकीन करते हैं वो गिने चुने कुछ लोग हैं, आप उनको ज़्यादा महत्व मत दीजिए। With the same views on the protest, Anupam's wife Kiran Kher, who is a BJP MP from Chandigarh, said, "It's very sad. बिकॉज जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो आप इस तरह की पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ें करें तो उस बात को देखकर बहुत दुख होता है और पढ़े लिखे जहीन लोग ऐसे करें। फिल्म मेकर्स दिबाकर बैनर्जी, आनंद पटवर्धन एंड 8 अदर्स रिसेंटली रिटर्न देयर नेशनल अवार्ड्स, सेइंग देयर डिसीजन टू रिटर्न द अवार्ड्स वाज टेकन इन व्यू ऑफ द एपैथी डिस्प्लेड बाय द गवर्नमेंट इन एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स इशू एंड द जनरल एनवायरनमेंट ऑफ इनटॉलरेंस अगेंस्ट डिबेट। From ANI's Mumbai Bureau.